आपको मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की अगली खबर संख्या दो। नवादा 30 नवंबर 2020 को बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव तारिक अनवर बाबा ने NRC बिल के विरोध में अपना गुस्सा निकाला है। इन्होंने कहा कि पिछले दिनों केंद्र के द्वारा लाया गया NRC बिल के विरोध में नवादा जिला में जो मेरे अध्यक्षता में एक विशाल धरना धरिया शाह बाबा के मैदान में 3 महीना 10 दिन जनता के सहयोग से आयोजित किया गया था और इस धरना प्रदर्शन में बहुत राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय नेतागण अपने वाहन खर्च से आए और इस धरना को संबोधित किए। इसके चलते केंद्र सरकार द्वारा मुझ पर गंभीर धारा लगाकर केस किया गया और मुझे दिल्ली हाजिर होने का नोटिस दिया गया। मैं दिल्ली गया और मुझे केंद्र पुलिस के द्वारा एक सप्ताह तक पूछताछ किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का पदाधिकारी होते हुए मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी से कोई सहयोग नहीं मिला। इस बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए एजाज अली मुन्ना पूर्व महामंत्री नवादा और जिला कांग्रेस कमेटी एवं युवा कांग्रेस नवादा जिला अध्यक्ष विश्वजीत भारती ने कहा कि आजाद भारत में क्या अपने उचित मांगों को लेकर किसी व्यक्ति को आवाज उठाने का हक नहीं है। ये बहुत ही घोर निंदनीय बात है कि स्वतंत्र भारत में सरकार के द्वारा आवाज उठाने वाले को कानून का डर दिखाकर चुप कर दिया जाता है। ज्ञात हो कि तारिक अनवर बाबा के साथ सहयोग में दिल्ली जाने वाले मनोहर खान भी थे। क्या मामला है? वो 16 तारीख को मेरे पास एक नोटिस व्हाट्सएप पर आया कि आप दिल्ली हाजिर हो। तो नोटिस पर लिखे हुआ था CNRC के बारे में। तो हमने जब सवाल किया क्यों, तो बताया गया केंद्र या सरकार की तरफ से आपको नोटिस दिया गया है कि जो आपने 3 महीना 10 दिन जो धरना किए हैं, किस कारण किए, काहे के लिए किए हैं, तो उसके लिए जो है मेरे पास किस चीज़ का धरना दिए थे, CNRC NPR के बारे में, जो काला कानून का जो बिल है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके खिलाफ धरना दिए थे शाहीन बाग बुंदेलखंड में। शाहीन बाग नाम है दरिया शबा मज़ार के पास। तो वहाँ हम लोग सब बैठे हुए थे और धरना चला। जब कोरोना आया तो इसको बंद कर दिया गया कि चलिए कोरोना के बाद जो है धरना चालू होगा। तो उसी के मामला में ये नोटिस आया है और ये मेरा जाने का टिकट का है। तो हमने जब इसके बारे में अधारा इतना लगाया कि 2 रात नहीं सोया आदमी। तो ये सब एक बैग का हुआ मेरे साथ, जो है विपक्षी लोग जो है इसके पीछे पड़े हुए थे। तो क्या हक मांगना जुर्म है? भारत आज़ाद है, आज़ाद मुल्क में सबका अपना अपना हक है, राइट है आंदोलन करना मांगना, मगर शांतिपूर्वक से। हमने पूरे नवादा में शांतिपूर्वक किए और इसमें कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया गया, जिसकी जानकारी आप लोग से मैं देना चाहता हूं। और ये जो है जो धारा है दिल्ली दंगा बिहार से क्या मतलब है, UPA इससे हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग हमेशा देश हित में काम करते हैं, देश हित के खिलाफ काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को इसीलिए सबसे छोटी पार्टी इसलिए हुआ कि CNRC में उन्होंने सपोर्ट किया, जिस इसको इसीलिए वोट नहीं पड़ा। तो अब इससे जो है हम लोग को बहुत तकलीफ़ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, अगर CNRC धरना अगर दिल्ली में होगा तो फिर मैं करूंगा। ये डराने और धमकाने से हम लोग बाज नहीं आएंगे। आप मेरी मांग को पूरा कर दीजिए, हम अपना काम ख़त्म कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा तारिक अनवर बाबा, जिला कांग्रेस प्रदेश सचिव बिहार। मैं कांग्रेस के पदाधिकारी गुंजन पटेल जी और प्रभारी अमित यादव जी, राजेश सन्नी जी और मंजीत अनंत साहू जी जितने थे मेरे युवा के लीडर, मैं उसको भी सूचना दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन मेरी समस्या को सुने या बताए। जिनके व्हाट्सएप पर सबको डाले, उन्होंने कांग्रेस के मेरे जितने युवा नेता बड़े पदाधिकारी थे वो सभी मुझे कोई जवाब न दिए, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता को इससे बहुत तकलीफ़ है। ऐसे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका मनोबल टूटेगा और कांग्रेस पार्टी का जो है मजबूती नहीं होगा। उसके लिए कांग्रेस के जितने भी पटना में बड़ा नेता है अपने कार्यकर्ता को ध्यान दे। मैं दुख के साथ इस बात को बताना चाहता हूं, जब इज्जत दीजिएगा तो आपको भी इज्जत मिलेगा। मैं अब अपनी बात खत्म करूँ।